सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। जिले के होमगार्ड कर्मचारी संघ द्वारा सेवानिवृत्त होमगार्ड कर्मचारी हौसला सिंह का स्थानीय कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर एक प्रोग्राम आयोजित कर उनका शानदार विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें अंगवस्त्र भेंट करते हुए फूल मालाएं से याद किया। आज आप लोग द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है, क्या है ये कार्यक्रम, क्या कहें? उत्तर प्रदेश होमगार्ड आप अपने कर्मचारी और कर्मचारी मंडल उपाध्यक्ष, मैं आज हमारे भाई का हौसला सिंह नगर सेकंड कंपनी के, इनका विदाई समारोह भी किया गया, लेकिन आज तक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, प्रधानमंत्री महोदय जी से, गृह मंत्री महोदय जी से सबसे मांग करते हैं कि रिटायरमेंट पर कम से कम कुछ तो सरकार के द्वारा हम लोगों को कोई सुविधा दी जाए, लेकिन हमारा भाई आज खाली हाथ रिटायर हो रहा है, इसको एक पैसे की कोई सहायता नहीं मिल रही है कि एक पैसे की सरकार ने कोई आज तक कोई मदद। और देखिए 60 साल की उम्र में लोगों को पेंशन गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमारे भाई जो रिटायर होकर के जाते हैं उनको पेंशन तक नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से, गृह मंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये मांग करता हूँ कि जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, काले कानून 1946 का, उस एक्ट में संशोधन करके हम लोगों को नियमित किया जाए और हम लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जबकि कोर्ट का आदेश है समान कार्य का समान वेतन, हम लोग पुलिस के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हमको सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है कि हम लोगों को कोई सुविधा दी जा रही हो। हम लोग इस बात के लिए मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इस एक्ट में संशोधन करवा करके और हम लोगों को नियमित किया जाए, राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।